तो आज हम लोग बात करेंगे वन विभाग भर्ती 2021 के बारे में। लास्ट डेट सबसे पहले आपको बता दें 19 अगस्त इसका लास्ट डेट है। आपके पास 12th पास की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 15,000 से 35,000 के बीच में इसमें सैलरी मिलने वाली है। आज चाहे तो आप आज ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन आउट 311 पोस्ट के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा इसका डिटेल कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी निकली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट जैसा कि हमेशा वन विभाग में होता है वैसा होगा। सैलरी की बात करें सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, शुरू में मैंने आपको बताई दिया। बात करें फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 में एज लिमिट की तो 18 साल से 30 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। अप्लीकेशन की बात करें तो जनरल EWS अदर स्टेट के लिए आप 400, SC ST OBC के लिए आपके पास 100 रुपये की फीस इसमें होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी जरिए आप ऑनलाइन आवेदन का फीस जमा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं 12th पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन करना हो तो यहाँ से, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करें 7 जुलाई से इसका स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन आवेदन, और लास्ट डेट इसमें 19 अगस्त 2021 रखा है। सारा डिटेल देखने के लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाइए। वहाँ पे यहाँ सारा नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।